हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ऑपरेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। क्या लेके आया हूँ? ऑपरेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ राकेश कुमार, आपका स्वागत करता हूँ अपने छोटे चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स एडू पॉइंट। ठीक है ना, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो हिस्सा बनिए ना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं हम लोग ऑपरेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। बेसिकली ये ऑपरेशन जो होते हैं वेक्टर्स के, वो एलजेब्रा की तरह नहीं होते हैं, जैसे सिंपल एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये कुछ उनसे अलग है, तभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अलग से। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दो वेक्टर्स हैं या बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उसको हम एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं इसको, ये सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसको बेसिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो वेक्टर्स हैं या दो से अधिक वेक्टर्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक वेक्टर्स हैं, उनको समेशन कर सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑलराइट, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी क्या कर सकते हैं हम लोग? मल्टीप्लीकेशन में भी हम लोग, एक तो दो मेथड होता है मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर्स को करने के लिए, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, डॉट डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट, बोलो बोलो यार। ठीक है ना, तो मल्टीप्लीकेशन बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। डिवीजन, अगेन डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं बताऊंगा कि एडिशन अगले वाले आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि सब्सट्रैक्शन को कैसे मैनिपुलेट नहीं मैनिपुलेट करके बेसिकली सब्सट्रैक्शन को कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है ना, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ जो है वो सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ अलग हद तक मैनिपुलेट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो एडिशन में अगर हम लोग देखें तो एडिशन में हमारे पास तीन लॉज हैं बेसिकली। ठीक है ना, पहला हो गया ट्रायंगल लॉ, दूसरा हो गया पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा हो गया पॉलीगन लॉ। बेसिकली ये दोनों लॉज जो है ना ये बेसिकली है ट्रायंगल लॉ से ही निकला हुआ, यानी सबसे बेसिक लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ ही है दोस्तों। कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ, इन्हीं से सारे लॉज निकले हैं बेसिकली। ठीक है ना, लेकिन जब वेक्टर्स के ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं और उसको सम करते हैं तो अलग अलग मेथड हमारे पास आ जाते हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, पॉलीगन हो गया, लेकिन उसका जो मदर ऑफ ओरिजिन है, ठीक है ना, वो ट्रायंगल लॉ से ही होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन सबको अलग अलग जानेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि ट्रायंगल लॉ से कैसे पैरेललोग्राम को प्रूव कर सकते हैं, पॉलीगन लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए चलिए नेक्स्ट पेज पे भैया मेरे। चलिए ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? सपोज करो, मैं पहले समझा देता हूँ ट्रायंगल लॉ को। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, क्या है? दो वेक्टर्स हैं। ऑलराइट, मान लो एक वेक्टर ये है, ये कैप देख रहे हो ना, ये कैप दिख रहा होगा आपको, ये इसको मान लो हेड और इसको मान लो टेल। उसी तरह से ये भी पेन है हमारे पास, इसको मान लो हेड, इसको मान लो टेल। ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है बेसिकली, सुनना। तो मान लो कोई एक वेक्टर है, ठीक है ना, कोई एक वेक्टर है, मैंने ये ले लिया, ठीक है, और फिर कोई दूसरा वेक्टर है जो कि पहले वेक्टर का हेड कौन सा हो गया? ये हो गया, और दूसरा वेक्टर का टेल कौन सा हो गया? ये वाला। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि पहले वेक्टर का हेड को जो है दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कॉन्साइड करना है, ये ध्यान से सुनना है। ठीक है ना, दोनों कानों को खोल के। चलो क्या कहते हैं हम लोग कि पहला वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर का टेल के साथ कॉन्साइड करना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने कंसाइड करा दिया भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी पहला वेक्टर का हेड, दूसरा वेक्टर का क्या है, ये टेल, दोनों के साथ कंसाइड करा दिया। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास क्या है, ट्रायंगल लॉ है। क्या है? ट्रायंगल लॉ है। तो इसका मतलब कि एक ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा भैया। ठीक है ना, क्या बनेगा? ट्रायंगल तो बनेगा बनेगा। तो हमने एक तीसरा वेक्टर भी ले लिया, ठीक है, तीसरा वेक्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन मतलब ये तो पेंसिल है हमारे पास, बहुत छोटा है, लेकिन वेक्टर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाई करेगा, ये क्या हो जाएगा? तीसरा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा वेक्टर हो जाएगा, लेकिन ये तीसरा वेक्टर जो होगा वही रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? वही रिजल्टेंट होगा बेसिकली। ठीक है ना, तो अब रिजल्टेंट का जो हेड होगा, देखो ये तो हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, यानी एक वेक्टर ये था जिसका और वेक्टर बी था ये हमारे पास, और वेक्टर बी का जो है टेल जो है वेक्टर ए के हेड के साथ हमने कॉन्साइड करा दिया, यानी एक तीसरा वेक्टर बनेगा ये वाला,
ठीक है ना, वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और फिर ध्यान से सुनना, और उस रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो होगा वो फाइनल वेक्टर यानी ये वाला वेक्टर का जो है हेड के साथ कंसाइड करेगा, ठीक है ना, फाइनल वेक्टर का हेड के साथ कंसाइड करेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जो है वो इनिशियल वेक्टर के टेल के साथ कंसाइड करेगा। एम आई राइट, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। इसको डायग्राम पे हम लोग यहाँ शो कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना। शो करने के लिए हम लोग सबसे पहले मान लो कि एक वेक्टर हमने ये बनाया, ठीक है ना, ऑलराइट, और एक वेक्टर हम लोगों ने ये बना लिया, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने एक वेक्टर ये बनाया और एक वेक्टर वो बना लिया, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए, ठीक है, इसका मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ वेक्टर बी। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था कि वेक्टर ए का जो हेड होगा वो बी के वेक्टर के टेल के साथ कंसाइड कराना है, ठीक है ना। एक चीज़ और वेक्टर में समझ लो यहाँ पे, तो वेक्टर्स में क्या होता है कि वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट करने का मीनिंग क्या हुआ समझो, ये पहले समझो इस बात को, पैरेलली वेक्टर को शिफ्ट करने का क्या मतलब हुआ। मान लो ये एक वेक्टर था, ठीक है ना, और हमने आपको बता ही रखा है कि ये टेल है, सॉरी ये हेड है और ये टेल है, करेक्ट है, ये हेड है और ये टेल है। तो अगर मान लो कुछ ऐसा, इस ये ऐसा वेक्टर है, ठीक है ना, हमने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये पैरेलली शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक है ना। एक ऐसा भी कर सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में गया और नीचे भी आ गया इस डायरेक्शन, इसका मतलब कि इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। ध्यान से देखना, इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में है, इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ पैरेलल शिफ्ट करूँ तो इस डायरेक्शन का अभी भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ लेते आऊँ अभी भी उस वेक्टर का डायरेक्शन उसी तरफ है, यानी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड तो इतना है ही इस वेक्टर का, तो यानी वेक्टर का कोई मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई भी सिग्निफिकेंस का कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं ये वेक्टर है और इसको मैं ऐसे कर दूँ, क्या ये वेक्टर सेम वेक्टर रहेगा? ये सेम वेक्टर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन मैंने पहले ऐसा था, अब ऐसे कर दिया तो डायरेक्शन में चेंज आ गया, तो डायरेक्शन में चेंज आ गया तो वेक्टर वो सेम रहा नहीं। इसलिए वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बनता है। मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो वो वैल्यू रहेगा क्या वेक्टर का? वो वैल्यू नहीं रहेगा बेसिकली वेक्टर्स का। इसीलिए पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे ऐसे शिफ्ट करो, चाहे ऐसे शिफ्ट करो, चाहे ऐसे शिफ्ट करो, चाहे ऐसे शिफ्ट करो, उसका डायरेक्शन का डायरेक्शन बेसिकली चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो मान लो कांस्टेंट है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, हमने मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, लेकिन डायरेक्शन के साथ तो वो मायने में रखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो हम लोगों को डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देना है बेसिकली, ठीक है ना। तो मान लो कि वेक्टर ए है तो हमने वेक्टर बी को क्या कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एम आई राइट, ये वेक्टर क्या बन गया, बी बन गया, वेक्टर बी बन गया। और ट्रायंगल लॉ से ये भी फुलफिल हो गया कि पहला वेक्टर का हेड जो है वो दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कंसाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला वेक्टर तो ए था हमारा, और दूसरा वेक्टर क्या था हमारे पास, दूसरा वेक्टर क्या था, बी था ना, बोलो यार। और वहाँ से वो ए के हेड के साथ, बी वेक्टर का टेल जो है वो ए के हेड के साथ कंसाइड हो गया, ठीक है ना। अब जो नया वेक्टर बनेगा, मैंने बता भी दिया था, एक जो नया वेक्टर बनेगा वो बी वेक्टर का जो है, बी वेक्टर का जो है वो हेड के साथ कंसाइड करेगा, और पहला वेक्टर का जो है वो टेल के साथ कंसाइड करेगा। तो ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ यार, बताओ, लिख सकते हैं ना, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, करेक्ट है। अगर मैं एक एग्जांपल पूछूं आपसे यहाँ पे, उस एग्जांपल का सही जवाब देना तुम लोग, ठीक है ना, कि हमने एक वेक्टर बनाया मान लो, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बनाया, मान लो एक वेक्टर बना ही दिया, ए वेक्टर बना दिया, ये बी वेक्टर बना दिया और सी वेक्टर बना दिया। अब बताओ इसमें रिजल्टेंट कौन सा है, रिजल्टेंट लिखना है ए और ए बी सी के फॉर्म में लिखना है, रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है ए बी सी के फॉर्म में लिखना है, करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, चलो स्क्रीन को पॉज करो और लिखो वेक्टर कैसे ए बी सी अलाइंड होंगे, ठीक है ना। मान लो हमने क्या बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा जो फाइनल वेक्टर के हेड के साथ मिले, हेड का क्या बताया था यार,
याद आ रहा है कुछ? देखो हमने बताया था ये कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होगा वो फाइनल वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा। देखो अब इसमें तो हमको पता नहीं है कि कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना, लेकिन ये पता है कि दो हेड कोइंसाइड कर रहे हैं किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, है ना। तो चाहे तो सी हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर, चाहे तो बी हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, चाहे तो बी हो सकता है, चाहे तो सी हो सकता है, ये तो क्लियर है। ये तो होगा नहीं सबसे पहला चीज, ठीक है ना, कि हमने बताया था रिजल्टेंट वेक्टर का हेड और फाइनल वेक्टर का हेड आपस में कंसाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का हेड क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर में से कोई एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना, ये तो क्लियर है। अब देखो कि हमने बताया था रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जो है वो पहले वेक्टर के टेल के साथ कंसाइड करता है, यानी टेल भी क्या करता है, टेल के साथ कंसाइड करता है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है ना। अगर मैं सी को रिजल्टेंट वेक्टर मान लूँ फॉर टाइम सेक, ठीक है ना, तो टी का जो टेल, सी का जो टेल होगा वो टेल के साथ कंसाइड करेगा। तो यहाँ तो लेकिन हेड के साथ कंसाइड कर रहा है ना, तो इसका मतलब कि सी नहीं हो सकता रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर बी हो सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट होगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का, एम आई राइट। ये है बेसिकली ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। आइए जब चलते हैं, मूव करते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, बस इसका अरेंजमेंट का अंतर है यार, अरेंजमेंट का क्या है, थोड़ा सा अंतर है। और हमारे पास क्या है, एक और वेक्टर है, क्या है, एक और वेक्टर है जिसको नाम दे दिया हमने बी दे दिया, करेक्ट है, जिसका क्या नाम दे दिया हमने बी दे दिया। सपोज ये ए वेक्टर है, करेक्ट है, और ये बी वेक्टर है, क्लियर है, हमने क्या नाम दे दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर नाम दे दिया। पैरेललोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, दो वेक्टर्स लेते हैं, क्या लेते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं, उसको टेल टू टेल कंसाइड कराते हैं, यानी पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का भी टेल को कंसाइड करा दिया। एग्जांपल समझना है तो समझ लो भैया, कि मान लो एक वेक्टर था, हेड और टेल तो आपने पहचान लिया होगा, हेड कौन टेल कौन सा, ठीक है ना, तो हेड बेसिकली ये वाला, टेल नीचे वाला। अब इसको क्या करते हैं, ट्रायंगलों में क्या करते थे, इसका हेड को इसके टेल से ज्वाइन कराते थे कि नहीं ज्वाइन कराते थे, बताओ यार, यानी पहले वाले वेक्टर का हेड के साथ टेल दूसरे वाले वेक्टर का टेल कंसाइड कराते थे। लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं करेंगे, पैरेललोग्राम में ये करेंगे कि इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का भी टेल के साथ कंसाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, बताओ यार, ये हो गया ना, इस वेक्टर का टेल यहाँ पे होगा, इस वेक्टर का टेल यहाँ पे होगा, दोनों को कंसाइड करा दिया, ठीक है ना। कंसाइड कराने के बाद जो रिजल्टेंट होगा इससे बनने वाला पैरेललोग्राम, देखो ऐसा कुछ होगा, इससे बनने वाला पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा, उसका जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, किसमें, पैरेललोग्राम लॉ में, और उससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना, उससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा उसका जो डायगोनल होगा बेसिकली वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली किस पे, दैट इज पॉलीगन लॉ पे। पॉलीगन लॉ क्या कहता है हमारा, ये हमने देखा था अभी, क्या देखा था बताओ यार, दो वेक्टर्स देखे थे बेसिकली। ट्रायंगल लॉ में भी हम लोग दो वेक्टर्स पे बात किया, पैरेललोग्राम पे भी किस पे बात किया, दो वेक्टर्स पे। लेकिन पॉलीगन लॉ क्या कहता है, इट इज़ मोर देन टू वेक्टर्स, क्या कह रहा है, इट इज़ मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है, ये मोर देन टू वेक्टर्स के लिए आता है हमारे पास, करेक्ट है। अब मोर देन टू वेक्टर ऐसे अलाइंड हो, ध्यान से सुनना पॉलीगन लॉ के बारे में, दो वेक्टर्स आपस में ऐसे अलाइंड हो जैसे कि वो पॉलीगन फॉर्म क्रिएट कर जाए, यानी पॉलीगन बना लें, और फिर उसके लास्ट साइज जो होता है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल देखो कि हमने एक वेक्टर ए लिया, देखो इसको, ठीक है, मान लो कोई एक वेक्टर ए है हमारे पास, करेक्ट है, ये ए वेक्टर है, कोई एक वेक्टर और है जो कि बी वेक्टर है, ठीक है ना, कोई एक और वेक्टर है दैट इज सी वेक्टर, ठीक है ना, वो इस तरह से अलाइन है जैसे कि पॉलीगन फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉलीगन फॉर्म हो ही रहा है, और एक और वेक्टर है जो कि पॉलीगन फॉर्म हो रहा है। अब इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो समझने में क्या हो जाएगी आसानी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर सी, और दिस इज वेक्टर
डी, क्लियर है। अब इसका जो लास्ट साइड है ना वो क्या करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक वेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं जैसे कि एक पॉलीगॉन फॉर्म हो जाए। कैसे अरेंज करते हैं, कि जैसे एक पॉलीगॉन फॉर्म हो जाए, लेकिन उसका जो लास्ट साइड होता है पॉलीगॉन का, वही वेक्टर जो होता है, वही लास्ट साइड जो है वो रिजल्टेंट का काम करता है दोस्तों। क्या करता है, रिजल्टेंट का काम करता है। तो हमारा लास्ट साइड यहाँ पे क्या है, लास्ट साइड क्या है, ये वाला है ना, ये वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, आर वेक्टर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर को, ध्यान से देखना, वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये हमारा क्या आ गया, पॉलीगॉन लॉ का रिजल्टेंट आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। हमने बताया था ये भी कि यहाँ से आपने पॉलीगॉन लॉ सीख लिया, लेकिन इन सारे लॉज के मदर जो है वो कौन सा है, कौन है बताओ, ट्रायंगल लॉ है बेसिकली। क्या है, ट्रायंगल लॉ। आइए उसे समझते हैं कैसे पॉलीगॉन लॉ में अप्लाई करके लाते हैं और फिर पैरेललोग्राम लॉ में अप्लाई करके लाते हैं, करेक्ट है। चलिए मान लो कि इस पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है, क्या करना है, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने क्या सिखाया था ट्रायंगल लॉ में, कि एक वेक्टर यहाँ पे, रफली मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। हमने ए वेक्टर ए लिया था और ट्रायंगल लॉ में क्या कहा था, कि हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं दो वेक्टर्स को, यानी पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल के साथ कंसाइड करा देते हैं। तो वेक्टर बी हमारा कैसा है, यहाँ पे वेक्टर बी हमारा ये वाला है ना, वेक्टर बी तो ये वाला है, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं हम लोग, इसके साथ कंसाइड करा देते हैं। इसको कंसाइड कराने के लिए यहाँ पे वेक्टर ए का हेड के साथ कंसाइड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर दिए, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो पैरेलली शिफ्ट करके हम इसको यहाँ पे लेते आते हैं, ठीक है ना, ये दिस इज वेक्टर बी, क्लियर है। अब इस इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा ट्रायंगल लॉ से, बताओ यार। और फिर ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का हेड जो है वो फाइनल वेक्टर का हेड से क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना कंसाइड, ठीक है ना। और फिर रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जो है वो इनिशियल वेक्टर के टेल के साथ कंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हो जाएगा, ये भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। इसको हमने ट्रायंगल लॉ से भी प्रूव कर दिया, ठीक है ना। बस ओरिएंटेशन का चेंज है भाई, देखो यहाँ ओरिएंटेशन अलग था तो ट्रायंगल लॉ बन गया, यहाँ ओरिएंटेशन क्या था पैरेललोग्राम अलग था तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ठीक है ना। अब चलो बेसिकली इसको कैसे प्रूफ करेंगे ट्रायंगल लॉ की मदद से, देखो मान लो अभी हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर पे बात करेंगे, दो वेक्टर्स को हमको जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ तो मल्टीपल है, लेकिन दो 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 को लेके चलेंगे, पहले दो फिर बाद में दो फिर बाद में दो फिर बाद में दो, तो फिर वो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे अरेंज है, हेड टू टेल अरेंज है। बस अरेंजमेंट तो अब कैसा है, ट्रायंगल लॉ जैसा है कि नहीं है, बताओ यार, ट्रायंगल लॉ जैसा है अरेंजमेंट, ठीक है। तो ए और बी का क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट कैसा रिप्रेजेंट करेगा, ये ऐसा कुछ देखो ए और बी का रिजल्टेंट कैसा एक्सप्लेन आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। ए और बी का रिजल्टेंट क्या आ गया, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया आर वन, क्या दे दिया, आर वन दे दिया, करेक्ट है आर वन। तो आर वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। अब ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, आर वन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब ए और बी का तो कुछ काम है ही नहीं, तो इसको इरेज कर दो, क्लियर है। ए और बी का तो कुछ काम है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। हम लोग किस पे पहुंचना है, रिजल्टेंट वेक्टर पे पहुंचना है, ठीक है ना। ए और बी का तो कुछ काम है ही नहीं हमारे पास, ए और बी का रिजल्टेंट ही तो आर वेक्टर है ना, आर वन वेक्टर है ना, बताओ, ठीक है ना। अब देखो यहां से कि आर वन वेक्टर है हमारे पास और सी वेक्टर है, वो कैसे अलाइन है, ट्रायंगल लॉ के जैसा। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और फाइनल वेक्टर सी है हमारे पास, तो फाइनल वेक्टर का जो हेड है वो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड के साथ कंसाइड कर जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर टू वेक्टर मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, आर टू वेक्टर मान लेते हैं। तो आर टू वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस सी वेक्टर, क्लियर है। अब देखो
ये रिजल्टेंट आर टू किसका रिजल्टेंट है, आर वन वैक्टर और सी वैक्टर का, ठीक है, यानी आर वन और सी वैक्टर का रिजल्टेंट है, तो अब आर वन और सी वैक्टर का तो काम खत्म हो गया, तो उसका रिजल्ट तो यहाँ पे शो कर रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि अब आर टू वैक्टर है और डी वैक्टर है, ठीक है ना, आर टू वैक्टर और डी वैक्टर है, तो अब इसको ट्रेंगल लॉस से कैसे लिखेंगे, इसको ट्रेंगल लॉस कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर टू वैक्टर प्लस डी वैक्टर, तो इसको हम लोग आर वैक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आर टू को क्या लिख सकते हैं, आर वन प्लस सी, और आर वन को क्या लिख सकते हैं, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, अगर तीनों इक्वेशन को मिला देंगे आर वन प्लस आर टू प्लस डी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए वैक्टर, ए वैक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो यहाँ से क्या आ गया, सेम रिजल्ट आ गया ना, यहाँ से क्या आ गया, सेम रिजल्ट आ गया, जब सेम रिजल्ट आ गया हमारे पास तो ट्रायंगल लॉ भी फॉलो करवा के हमने आंसर निकलवा दिया यहाँ पे। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, बहुत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।